थोड़ा अंदर जाके डिजाइनिंग तो आएगी, आने वाली डिजाइन भी आएगी हर एक एलिमेंट की, बट पहले हम फाउंडेशन का जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा डीप लेवल पे। फाउंडेशन जो टर्म आता है तो कभी आपने सोचा जरूर होगा कि यार ये फाउंडेशन और फुटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। कई लोग बोलेंगे सर मुझे पता है, लेकिन कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्या डिफरेंस है फाउंडेशन और फुटिंग के बीच में। पहले फाउंडेशन बताता हूं। फाउंडेशन मीन्स लोअर पार्ट या लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाउंडेशन। लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाउंडेशन। अब फिर फुटिंग क्या होती है? इट इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द वॉल एंड कॉलम। अंडर द वॉल एंड कॉलम, कॉलम और वॉल के अंदर जो बनता है दैट इज कॉल्ड फुटिंग, और जो नीचे का पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन। चलो ये तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं। आप सबने सुना होगा फाउंडेशन के दो टाइप होते हैं जनरली। पहला होता है सैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। सबने पढ़ लिया होगा लगभग लगभग, करेक्ट। अब जब बात करता हूँ सैलो के बारे में तो आप सैलो में थोड़े से कंफ्यूज होते हो क्या कौन कौन से टाइप सैलो होते हैं। तो सबसे पहला आप सबने देखा होगा कि पैट फुटिंग सबसे फेमस रहती है। पैट फुटिंग, पैट फुटिंग क्या है? पैट फुटिंग सबसे ज्यादा रो हाउसेस में यूज किए जाने वाला फुटिंग का टाइप है। पैट फुटिंग का एक फायदा क्या रहता है? पैट फुटिंग का फायदा यह रहता है कि इंडिविजुअल कॉलम के लिए इंडिविजुअल फुटिंग हो जाती है, बहुत ही अच्छा रहता है। और जनरली अगर आपके पास G+1 G+2 है तो नो मैटर, बहुत ही अच्छी फुटिंग के टाइप आपके लिए पैट फुटिंग हो सकता है। दूसरा आपने फुटिंग का टाइप सुना होगा स्लोप फुटिंग्स। स्लोप फुटिंग भी काफी फेमस है, और स्लोप फुटिंग में एक अच्छी चीज होती है, उसमें मटेरियल बचता है, क्योंकि स्लोप में आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से ऐसे ये एंगल ले लेता है, तो ये एंगल कितने का लेता है, 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करना पड़ता है इनके बीच में, और इसमें मटेरियल बचता कैसे, क्योंकि ये ऐसे स्लोप में चला जाता है तो मटेरियल सेव हो जाता है। तो ये वहां पे ज्यादा अच्छा है जहां पे नॉर्मल एक्सियल लोड से, मतलब नॉर्मल बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लोड से ज्यादा लोड आ रहा हो। मतलब जब कभी भी कोई चीज मैं बोलता हूँ कि जैसे कि कुछ भी है, अगर कोई भी हैवी चीज है तो वो हैवी चीज को अगर आपको उठाना है, मेरे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं था, तो अगर उसको उठाना है और अगर हमने ऐसे उठाए हैं तो उतना अच्छा नहीं उठा पाएंगे जितना अच्छा ऐसे उठाएंगे। तो हमारा क्या होता है स्लो फुटिंग, यही तो होता है ना, ऐसे जाता है फिर ऐसे कर देता है, तो वो हमारे स्ट्रक्चर के लिए काफी अच्छा होता है और काफी जगहों पे वही यूज किया जाता है। एक और है जो कि स्टेप फुटिंग्स है। क्या है? स्टेप फुटिंग्स, जो कि अभी आउटडेटेड हो गया है, बहुत रेयर कोई यूज कर रहा है वो। बताना अगर किसी की तरफ हो रहा है तो वैसे जनरली लोग नहीं यूज कर रहे हैं। स्टेप फुटिंग्स में रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा लग जाता है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, फिर जाके वहां से कॉलम स्टार्ट होता है। तो अभी जनरली लोग स्टेप फुटिंग्स को नहीं प्रीफर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैट फुटिंग और स्लो फुटिंग को प्रीफर कर रहे हैं। दूसरा एक फुटिंग का टाइप बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग, राइट। ये सब मैं सैलो के पार्ट बता रहा हूँ। कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग आप सबको पता है, जब कॉलम बहुत ही पास पास हो। आप बोलोगे सर ये बहुत बहुत क्या, मतलब कितना पास पास? अप्रोक्स जो मैंने आइडिया लगाया तो लगभग दो से ढाई मीटर के बीच बीच में अगर कॉलम्स है या 3 मीटर तक में कॉलम है, और उन कॉलम की जब फुटिंग की डिजाइन कर रहे हो तो उनकी फुटिंग आपस में मिल रहे हैं, उनकी फुटिंग क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो बेटर कि वहां पे आप कंबाइंड फुटिंग कर दो, आपका स्पेस बचेगा और बेटर रहेगा। कंबाइंड फुटिंग में भी कभी कभी एक ट्रेपोजाइटल कंबाइंड फुटिंग करना पड़ता है। वो कब? जब हमारा कोई बाउंड्री पे या कॉर्नर पे हमारा स्ट्रक्चर है और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके की ट्रेपोजाइटल शेप ही वहां पे बन सकता है, तो आप ट्रेपोजाइटल कंबाइंड शेप भी बना सकते हो। जहां पे हमारा पार्टीशन लाइन होती है, ऐसे जगह पे जहां पे प्लॉट की फिनिशिंग होती है कि मतलब यहाँ पे खत्म हो रहा है, ऐसे जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लाइन जो होता है प्रॉपर्टी लाइन पे यूज करते हैं। प्रॉपर्टी लाइन पे एक और कंबाइंड फुटिंग के का ही एक पार्ट है जो कि यूज किया जाता है, कंबाइंड स्ट्रेप फुटिंग्स। तो वो क्यों? क्योंकि अगर कॉर्नर पे आपका क्या बोलते हैं लाइन है प्रॉपर्टी लाइन, वहां से आगे आप नहीं जा सकते हो, तो बेटर कि वहां पे कंबाइंड फुटिंग यूज कर दो। तो कंबाइंड फुटिंग ऐसे जगहों पे प्लस जहां पे फुटिंग पास पास आ रही है वहां पे यूज कर सकते हो। एक और है जो कि लोड बेयरिंग के लिए होता है, कंटिन्यूअस फुटिंग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फुटिंग्स। ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहां पर ढेर सारे वॉल्स आ रहे हैं। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ सब मैं अपने जनरल आइडिया से बता रहा हूँ, आप सबको पता है, कोई हमने इसका नोट्स नहीं, बट इस सब चीजों से आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ले सकते हो कि ओके हाँ यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए। तो जैसे मैं अभी कंटिन्यूअस फुटिंग बता रहा हूँ। अब कंटिन्यूअस फुटिंग आप सबने देखा होगा,
जो भी लोड बीयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके नीचे बनाए जाते हैं कंटिन्यूस फुटिंग्स। काफी अच्छा होता है, मतलब कि इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। कंबाइन जो भी अभी छोटे छोटे आप घर देखते होंगे जिसमें कॉलम वॉल नहीं, कॉलम वगैरह यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वॉल यूज करते हैं, वहां पे कंटिन्यूस फुटिंग्स यूज करते हैं। इसका एडवांटेज है कि इजी टू कंस्ट्रक्ट है, मतलब इजिली बन जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज भी है। आप बोलोगे सर डिसएडवांटेज क्या है? इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। कोई सोच रहा होगा नहीं, तो मैं बता दूं, हाँ कंबाइंड फुटिंग जो कंटिन्यूस फुटिंग होती है इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। तो यूज करते हैं लोग, अभी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अगर है तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं यूज नहीं कर सकते हो कंबाइंड फुटिंग या कोई और दूसरे टाइप की फुटिंग, तो यहाँ पे यूज करना पड़ता है। और सेलो में ही एक और टाइप काफी फेमस है जो कि हम लोग यूज करते हैं, वो होता है राफ्ट, या फिर जिसको हम मैट फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मैट फाउंडेशन के नाम पे जानते हैं। जब हमारे कॉलम बहुत पास पास हों, नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग्स, जैसे कि आप बिल्डिंग के साथ आपका आ जाता है जैसे कि ऑयल टैंक वगैरह का जो टैंक वगैरह होता है वो, या फिर कोई फैक्ट्री का काम कर रहे हो वहाँ पे आपके पास पास पे कॉलम है, जब कॉलम बहुत पास पास हो तो वहाँ पे सबसे अच्छा होता है, और स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी हो तो वहाँ पे सबसे अच्छा होता है कि आप मैट फुटिंग कर दो। मैट पे क्या होता है, पूरा एक मैट बन जाता है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे कॉलम के लिए फुटिंग्स बन जाते हैं इंडिविजुअल। तो वो क्या होता है, मिक्स करके सबसे बेस्ट फाउंडेशन होता है। बट हाँ, खर्चा ज़्यादा होता है इसमें। क्यों? क्योंकि अफकोर्स पूरा एक मैट बनाओगे, फिर उसके अंदर फुटिंग्स अलग 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 कॉर्नर कॉर्नर पर पूरा जद्दा बनता है, तो काफ़ी कॉस्टली होता है, बट काफ़ी अच्छा होता है। सेलो फाउंडेशन में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा लगने वाला जो है वो है मैट फाउंडेशन। और जनरली अगर आपको बनाना है तो पैट या फिर स्लो फुटिंग्स यूज करो, सबसे बेटर होता है रो हाउसेस के लिए, G+4, G+5 तक के लिए सबसे बेटर है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा डीप फाउंडेशन के बारे में। डीप नाम से ही पता चल रहा है। डीप में क्या होता है कि जब डीप फाउंडेशन कब यूज करते हैं पहले ये जान लो। आप बोलोगे नहीं सर पहले टाइप बता दो कौन कौन से टाइप यूज करते हैं, तो डीप में सबसे ज्यादा आपका यूज करते हैं दैट इज पाइल फाउंडेशन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा होता है कैसियन। कैसियन क्या होता है? वेल फाउंडेशन बोलते हैं, आप लोग देखा होगा, वेल फाउंडेशन सुना होगा। तो बात कर लेते हैं पाइल की। अब भाई अगर हम डीप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो पाइल की बात तो करनी पड़ेगी। तो पाइल जो फाउंडेशन है इसके दो टाइप है, पहले तो ये जान लो। एक है इंड वेयरिंग पाइल है और एक है फ्रिक्शनल पाइल है। ये दो टाइप के है, बाकी और भी बहुत से टाइप है, बट जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट टाइप है जो दो है। अब दोस्तों ये पाइल यूज कहाँ पे करते हैं? तो पाइल यूज करते हैं उस जगह पे जहाँ की SBC बहुत ही लेस हो, मतलब सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो और हार्ड स्ट्रेटा बहुत ही नीचे हो हार्ड स्ट्रेटा, ऐसे जगहों पे हम लोग पाइल फाउंडेशन प्रीफर करते हैं। पाइल में पहले क्या करते हैं, पाइलिंग करते हैं 2 की 4 की 15 की अप्रॉक्स 25 पाइल्स लगा सकते हो एक के लिए। तो आप इसके वो सब पाइल लगाते हैं, फिर पाइल कैप लगाते हैं, फिर पाइल कैप लगाने के बाद पायर लगाते हैं, पायर के बाद पायर का कैप लगाते हैं। इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और जो ये है कहाँ पे यूज करेंगे, कितनी SBC हो कि वहाँ पे यूज करना अच्छा रहता है, तो अप्रॉक्स जो अभी एक थंब रूल्स है उसके अकॉर्डिंग 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के नीचे है आपकी SBC, तो उस जगह पे जरूर यूज करना चाहिए। बाकी ऐसे जगहों पे जहाँ पे सॉइल का बहुत ही ज्यादा कटाव होता है, मतलब सॉइल बहुत कटती है, तो ऐसे जगह की अगर सॉइल है तो वहाँ पे आप कुछ और सोचो ही मत, ठीक है। अगर सॉइल बार बार वहाँ पे कट रहा है, ठीक है, वो लैंड देख के समझ आ जाता है, तो अगर कट रही है सॉइल तो वहाँ पे डेफिनेटली पाइल यूज करते हैं हम लोग, फिर वहाँ पे कुछ भी SBC वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस बैक जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल में हमेशा यूज ही करना पड़ता है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, साथ ही साथ SBC कम है तो वहाँ पे। प्लस अगर जैसे कि आप रिवर साइड हो, आप जहाँ पे भी बना रहे हो आप अगर रिवर साइड है, तो ऐसे भी थंब रूल लग जाता है कि अगर रिवर साइड है तो उस जगह पे आपको पाइलिंग करना बेटर रहता है। अकॉर्डिंग टू थंब रूल जो बिल्डिंग्स की हाइट है उसका 40% आपको पाइलिंग करना चाहिए, बट इतना कोई करता नहीं है, क्योंकि अगर 40% करोगे तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा। और बाकी ये सब डिपेंड करता है कि हार्ड स्ट्रेटा कहाँ पर आपको अच्छा मिल रहा है, वहाँ जाके छोड़ देते हैं पाइल को। लेकिन 40% अगर करते हो तो बेस्ट रहेगा हमेशा के लिए। ये जो दूसरा पाइल का जो हमारा ये डीप फाउंडेशन, इसमें जो दूसरा टाइप है क्या है, कैसियन, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल फाउंडेशन बोलते हैं। ये वेल फाउंडेशन कहाँ पे यूज करते हैं, सबने देखा होगा, कहाँ पे? ब्रिजेस में, राइट। तो कहाँ पे यूज करते हैं इसको? ब्रिजेस में यूज करते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता हूँ, क्योंकि हर बार मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, पाइल फाउंडेशन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसको इसको पता होगा नीचे कमेंट करना, देखता हूँ कितने लोगों को नॉलेज है। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग आंसर करते हो, तो लास्ट टाइम भी आंसर लोगों ने किया था, तो फिर कुछ लोग जाके कमेंट भी पड़े होंगे। चलो
वेल फाउंडेशन हम लोग यूज करते हैं हमेशा ब्रिजेस के लिए, जहाँ पे वाटर स्ट्रक्चर हो, मतलब कि वाटर में अगर आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे सबसे अच्छा रहता है वेल फाउंडेशन, या कैल्शियम फाउंडेशन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, वाटर को ब्रेक कर लेते हैं, वाटर को ब्रेक करने के बाद मतलब कि चारों तरफ रोक लेते हैं, उसके अंदर से ड्रिलिंग करके वाटर निकालते हैं, फिर उसके फाउंडेशन का प्रोसेस होता है। बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके, आप जाके एक बार देख लोगे तो मजा आएगा, वेल फाउंडेशन बनाने में बड़ा मजा आता है। चलो ये तो थे सब डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन आपको समझ में आ गए होंगे, बट थोड़ा सा और हट के बात करता हूँ कि इनके डिसीजन जब लेते हैं कि कौन सा फाउंडेशन कहाँ पर करना चाहिए तो क्या क्या टर्म्स को फोकस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमको फोकस करना चाहिए हमें, मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, पहली चीज तो आपको फोकस करना है कि लोड कितना आ रहा है, लोडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का लोड है अगर वो आपको क्लियर है तो डेफिनेटली आपके लिए इजी हो जाएगा क्लियर करना। अगर लोडिंग कम आ रहा है तो पैड फाउंडेशन यूज करते हो, थोड़ा ज्यादा आ रहा है स्लोप यूज कर सकते हो, और स्टेप फुटिंग तो बहुत कम यूज करते हैं, और आपकी प्रॉपर्टी लाइन आ रही है तो कंबाइन यूज कर लो। तो सबसे पहले क्या करना है, लोड आपको देखना है। दूसरा चीज क्या देखना होता है, SBC देखना होता है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी देखनी होती है उसकी, ठीक है। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी देखने के बाद तीसरी क्या चीज देखनी पड़ती है हमारे किसी बिल्डिंग में फाउंडेशन डिसाइड करने से पहले, आप देख सकते हो कि वहां जो SBC के साथ उसका जो हार्ड स्ट्रेटा है वो कहाँ पे मिल रहा है, हार्ड स्ट्रेटा कितने पे मिल जा रहा है, प्लस नेबरहुड में कौन कौन से फुटिंग्स लोगों ने यूज किया है, वहां से भी एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि SBC भी लगभग अप्रॉक्स तो उतना ही रहती है। तो नेबरहुड में जो इस तरीके के यूज हो रहे हैं डेफिनेटली उसी तरीके से लगभग, जैसे कि हम लोग की तरफ ज्यादातर आइसोलेटेड, जिसके अलग अलग पार्ट आपने देखे, अच्छा आइसोलेटेड जो पैड है, अभी पैड में जरूरी नहीं कि पैड में केवल रेक्टेंगुलर ही होता है, इसमें सर्कुलर भी होता है, अलग अलग सेक्शंस कर सकते हो, बट रहेगा क्या, पैड फाउंडेशन ही रहता है वो। मिलता है सर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसे लग रहे हैं, प्लस आप साथ ही साथ क्या बोलते हैं ये भी पूछो कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या होता है, जब आप पूछते हो या फिर जो आप कमेंट करते हो तो उससे हमें पता चलता है कि आप कितने एक्साइटेड हो और कितना डेडिकेटेड हो, कितना पढ़ रहे हो उसके बारे में। तो अभी हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में बात कर लिया, हमने बात कर लिया कॉलम के बारे में, बीम के बारे में, स्लैब के बारे में, फुटिंग के बारे में, स्टेयरकेस के बारे में, और आपको पता है इन सब की डिजाइनिंग भी आने वाली है। सो थोड़ा थोड़ा वेट करो, बहुत ही मजा आने वाला है, और साथ ही साथ इनके डिजाइनिंग के साथ इनके एनालिसिस के पार्ट भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इसी तरीके से देते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे, तो डेफिनेटली आऊंगा। चलते मिलते आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ एक चीज़ और बताना है, अभी शायद एक वीडियो भी आ जाएगी उसके लिए सेपरेट, जो हमारे 28 से स्टैट प्रो की बैच स्टार्ट हो रही थी उसको हमने 29 कर दिया है, ठीक है। 29 से हमारी स्टैट प्रो प्लस RCPC प्लस मैनुअल कॉन्सेप्ट की बैच आ रही है। जिसको भी क्या करना है वो फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, और 9792621121 पे मैं उसको सिलेबस भेज दूंगा, प्लस इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आ रही है, तो उसको देख लेना। जिसने भी नहीं किया होगा उसको तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर हमको स्टैट प्रो RCPC और मैनुअल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा। और फी भी मैंने ज़्यादा नहीं रखा, ओनली 5000 रुपीज़ रखा है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, तो मुझे ज़्यादा बच्चे मिलते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5000 में मैं कर लेता हूँ। और साथ ही साथ इसमें एक और फायदा ये हो रहा है कि हम आपको लाइव प्रोजेक्ट भी करवा देते हैं स्टैट प्रो के अंदर। तो लाइव प्रोजेक्ट से क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। बाकी डीप में समझाऊंगा, एक अलग से इसका सेपरेट वीडियो आएगा। चलिए बाय बाय।